ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 14 जून 2020 को। सूर्य अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो इसका सभी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो कुंभ राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, 14 जून 2020 को सूर्यदेव वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाएंगे और यहाँ पर 16 जुलाई 2020 तक मौजूद रहने वाले हैं। तो इस एक माह की अवधि में कैसी स्थितियों का निर्माण कुंभ राशि के लिए करते हुए सूर्यदेव नजर आएंगे इस वीडियो में आप जान पाएंगे। उससे पहले यह जान लेते हैं कि कुंडली में सूर्यदेव का क्या प्रभाव होता है और सूर्यदेव कैसी स्थितियाँ बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए, सूर्यदेव को काल पुरुष की आत्मा कहा जाता है। ज्योतिष में पिता का दर्जा दिया जाता है। एकमात्र ऐसे ग्रह सूर्यदेव हैं जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं। समस्त जीव जगत में आत्मा के स्वरूप माने जाते हैं और इन्हीं के कारण संपूर्ण जीव जगत के जंतुओं में जीवन का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है और बल की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की स्थिति यदि कुंडली पर मजबूत होती है तो कई प्रकार की अच्छी स्थितियां जातक के जीवन में देखने के लिए मिलती है। किसी व्यक्ति की कुंडली में आत्मबल, निर्णय लेने की क्षमता, सम्मान प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये सारी चीजें सूर्य की स्थिति देखकर ही जाना जाता है। देखिए, सूर्य हमारे जीवन में अंधकार को प्रतिदिन नष्ट करते हैं और जीवन में हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें सकारात्मक होकर जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है। राशि चक्र में 12 राशियां होती है और सूर्य देव को यह राशि चक्र पूरा करने में एक वर्ष का समय लगता है। सूर्य देव मेष राशि में उच्च अवस्था में होते हैं और तुला राशि इनकी नीच अवस्था में यहाँ पर मौजूद होते हैं, जबकि सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव कहे जाते हैं। धार्मिक आयोजन में सूर्यदेव को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में जब सूर्यदेव प्रभावित होते हैं तो कई प्रकार की अच्छी स्थितियां बनाते हुए दिखाई देते हैं। कुंडली में यदि सूर्य बलि होते हैं तो जातक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म करने के लिए जातक इच्छुक होता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं। खुशी, आनंद, आत्मविश्वास, ऊर्जा, लीडरशिप क्षमता, सम्मान प्राप्ति होती है और जातक कुलीनता के साथ जीवन जीता है। वहीं अगर सूर्य की स्थिति कुंडली पर खराब होती है, पीड़ित सूर्य होते हैं, तो जातक के अंदर अहंकार, उदासी, किसी कार्य में फोकस न हो पाना, राजनीति के क्षेत्र में असफलता देखने के लिए मिलती है, विश्वासहीनता, क्रोध और महत्वाकांक्षा में कमी देखने के लिए मिलती है। वहीं अगर सूर्य बलि होते हैं तो राजनीतिक क्षेत्रों में और लीडरशिप वाले कार्यों में जातक अव्वल स्थान रखता है। तो चलिए जानते हैं इसका कुंभ राशि के ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो कुंभ राशि वाले जातकों, सूर्य देव आपके सातवें घर के स्वामी हैं, जो विवाह और साझेदारी का घर होता है, भाव होता है, उसके स्वामी हैं, जबकि सूर्य देव का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। पंचम भाव से प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, बुद्धि इत्यादि चीजें देखने के लिए मिलती है। तो इस एक माह के अंतराल में सूर्य देव की यह स्थिति आपके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करती हुई दिखाई देगी। यदि आप उच्च अध्ययन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं तो आप लगातार लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। आपके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। इन दिनों में आपको अपने कठोर और जिद्दीपन की आदत से दूर आपको रखना होगा। इससे आपके रिश्ते में कड़वाहट देखने के लिए मिल सकती है। आपका चिड़चिड़ा स्वभाव उभर कर सामने आ सकता है। हालांकि इन दिनों में आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी। यदि आप शोध कार्यों में लिप्त हैं उसमें आपको अच्छी संभावना देखने के लिए मिलेगी। यदि आप खेल जीवन में जुड़े हुए हैं तो अच्छा आपको प्राप्त होगा परिणाम। बच्चों से आपकी अनबन हो सकती है, स्वभाव में आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। इन दिनों में यदि आप छात्र जीवन में हैं तो अच्छी सफलता आपके लिए देखने के लिए मिलेगी। माता पिताजी का आपको काफी ज्यादा स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। सूर्यदेव की इस स्थिति के कारण आपकी बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता में विस्तार भी होगा। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा सामंजस्य बनाते हुए दिखाई देंगे और व्यापार में आप अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि वाले जातकों, नौकरी में इन दिनों में आपकी पदोन्नत की भी संभावना पूरी तरह से बनती हुई दिखाई देगी। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन में आ रही अनबन भी खत्म हो सकती है। किसी नई कार्य योजना को आप शुरू कर सकते हैं। यदि किसी पुराने समय से आप अपने मन में विचार को लिए हुए हैं और उसको कार्यान्वित करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा मौका आपके जीवन में आ सकता है। आप कार्य को शुरू भी कर सकते हैं। इन दिनों में कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आ सकती है, नया मौका आपके जीवन में आ सकता है।
जो आपके जीवन में चौमुखी विकास करने के लिए समर्थ होगा। नवीनीकरण करने के लिए आप काफी ज्यादा प्रेरित होंगे और आपको करना भी चाहिए। दृढ़ संकल्प के बलबूते पर आप जीवन में कठिन से कठिन निर्णय को लेने के बावजूद जीवन में आप सफल हो पाएंगे। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। सूर्य का यह प्रभाव आपके ऊपर पड़ने जा रहा है, तो हम आपको बताते हैं सूर्य देव की स्थिति एवं यदि सूर्य का अनिष्ट प्रभाव आपके ऊपर दिखाई दे तो कुछ हम आपको उपाय बताते हैं जो आपको जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहला है, अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना है। अपने जीवन में किसी कार्य को नियम बनाकर आपको करना होगा, बिना नियम के कोई भी कार्य आप ना करें। अपने माता पिता एवं घर के जो अभिष्ट हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। सूर्योदय से पहले आप सोकर उठ जाएं और अपने जीवन में नए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप निरंतर कार्यरत रहें। अपने ओवर कॉन्फिडेंस को आपको कम करना है। आत्मविश्वास होना जरूरी है, लेकिन आप ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, इसलिए अनुभवी व्यक्ति की राय अपने जीवन में आप जरूर लें। इन दिनों में आप अपने व्यक्तिगत राज को किसी व्यक्ति से आप साझा ना करें। समय का पूरी तरह से आप सदुपयोग करें और जीवन में यदि हो सके तो आप सूर्य देव को जल अर्घ दे सकते हैं। इससे आपके जीवन में अच्छी स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। स्नान के पश्चात आप सूर्य देव को प्रणाम कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। ओम नमः।